डुंडरा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम ने कांग्रेस सरकार के सफल कार्यों की सराहना करते हुए कहा, धरातल पर आम जनमानस को मिल रहा लाभ। नमस्कार, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं जी सेवन न्यूज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरगुजा जिले के विकास खंड डुंडरा के वर्तमान विधायक डॉक्टर प्रीतम राम की, जिन्होंने अपने क्षेत्र में विकास की बाढ़ सिला दी है, जो कि लगातार अपने क्षेत्र की उन्नति व विकास कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो विकास कार्यों में एक भी ऐसा काम नहीं जो इनके कार्यकाल में इनकी निगाहों से परे हो। हम चाहे बात करें सड़क, बिजली, पानी व अन्य कार्यों की, इनके तत्परता व कांग्रेस सरकार के राज ने सभी जरूरतमंदों को लाभान्वित किया है। वहीं जनहित में किए गए कार्यों का पैमाना मापने कुछ माह बाद परीक्षा अर्थात चुनाव होने वाला है, जिसका परिणाम सार्थकता सिद्ध करेगा। संवाददाता गुरजीत सिंह की रिपोर्ट, जी सेवन न्यूज। पत्र में ये उल्लेख था कि बेरोजगारों को उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ शासन ने वायदा पूरा करते हुए जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देने का कदम उठाया है। इससे क्षेत्र के जितने भी बेरोजगार हैं वो सब लोग जो दो साल पूर्व में मैट्रिक पास कर लिए हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। और उसमें जो मापदंड है उसके अनुरूप उस परिवार में कोई दूसरा शासकीय कर्मचारी ना हो और जिनकी वार्षिक आमदनी 2.5 लाख से ज़्यादा ना हो, ऐसे शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा बहुत ही अच्छे काम किया जा रहा है। सभी वर्गों के लिए काम का व्यवस्था किया जा रहा है। जितने भी स्वसहायता समूह हैं उनको भी बहुत अच्छा काम करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं और जितने भी बेरोजगार युवक हैं उनको भी कई तरह से कौशल विकास के माध्यम से, अन्य अन्य माध्यम से उनको रोजगार देने का काम किया जा रहा है। और इन्हीं सब कारणों से यहाँ पर बेरोजगारी दर जो है बहुत ही कम है। और चूँकि चुनाव में घोषणा था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, तो जितने भी बाकी पात्र बेरोजगार मिल रहे हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। जो वेतन जी हाँ, जितने भी पैदानी कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको पहले बहुत लंबे समय से वो लोग संघर्षरत थे अपने मानदेय बढ़ाने के लिए। छत्तीसगढ़ शासन ने वित्तीय बजट में उन सभी लोगों का मानदेय बढ़ा दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,000 कर दिया गया है, सहायिकाओं का 5,000 कर दिया गया है, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,500 मानदेय दिया जा रहा है। इसी के साथ ही साथ जितने भी मितानिन हैं उनको जो उनका पैकेज निर्धारित है उसके अतिरिक्त उनको 2200 रुपये प्रतिमा मानदेय देने का काम किया जा रहा है। गांव के पटेल हैं, चौकीदार हैं और बैगा हैं, सभी लोगों को कहीं ना कहीं से मदद देने का काम जो है वो भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। और जितने भी वृद्धा पेंशन देने का जो काम चल रहा है उसमें भी जो 350 रुपया उनका मानदेय दिया जाता था उसको बढ़ा करके 500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। स्कूलों में जो बच्चे अध्ययनरत हैं उनका भी स्टाइपेंड बढ़ा दिया गया है। हर तरह से लोगों को मदद देने का काम किया जा रहा है और निश्चित रूप से इससे सभी वर्ग खुश हैं, संतुष्ट हैं। और आने वाले समय में जिस तरह से भेंट मुलाकात में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे विधानसभा क्षेत्र लुंड्रा में आए थे, वहाँ पर जितने भी बहुप्रतीक्षित मांग था, कॉलेज का, एसडीएम कोर्ट का, बड़े बड़े सड़कों का, बड़े बड़े पुलों का, उन सभी मांगों को उन्होंने सहर्ष स्वीकृत किए और आज जो है लुंड्रा विधानसभा का स्वरूप ही बदला हुआ नज़र आ रहा है। आप सब लोग कभी जाएंगे तो आप सब लोगों को भी देखने को मिलेगा, चाहे रघुनाथपुर से धौरपुर तक का सड़क, धौरपुर से फिर बरियों तक का सड़क, फिर लुंड्रा से बिलासपुर चौक तक का सड़क, और
अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र, अंबिकापुर विकास खंड से, जैसे कि अंबिकापुर से तरिमा, ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही आता है, वहाँ तक का सड़क, उच्च स्तरीय सड़क का निर्माण कंप्लीट हो चुका है। और इन सबों के बाद एक बड़ी उपलब्धि मेरे विधानसभा क्षेत्र का है कि तरिमा एयरपोर्ट जो है वो शुरुआत करने की स्थिति में आ गई है और उसका परीक्षण किया जा चुका है और आने वाले समय में लाइसेंस देने की प्रक्रिया होने के बाद वायु विमानन सेवा जो है प्रारंभ कर दिया जाएगा। जितने भी प्रमुख और बड़े जो समस्याएं था क्षेत्र का, उसका जो है मेरे इस कार्यकाल में उन सभी कामों का स्वीकृति मिल गया है और काम जो है युद्ध स्तर पर चल रहा है, पूर्णता की ओर है। और कुछ जगहों पे कुछ समस्याएं, छोटी सड़कें बाकी हैं जो कि बजट में स्वीकृत है और प्रशासकीय स्वीकृति के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है और निकट भविष्य में वो भी स्वीकृत हो जाएंगे।